Personal life farming में अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी योर एफियन फिजियोलॉजी लेक्चर नाइमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक ऑफ एनाटमी सेशन। एनाटमी की पोर्शन का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ एनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेज नंबर 29, एंड द लेक्चर इज़ फॉर सेशन 2021। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी का वो सिस्टम जो कि इन्वॉल्व होता है इन द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दैट सिस्टम इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बॉडी का वो सिस्टम जहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कैरीड आउट होता है, और इसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं या सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो तमाम तर हॉर्मोन्स यहीं पर इसी सिस्टम में बनते हैं। तो दैट सिस्टम इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, दो पार्ट्स में या दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है इस सिस्टम को। वो पार्ट जो जहाँ पर एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और वो पार्ट जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हमारे पास जो हैं वो कहलाते हैं वल्वा, एंड उसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स के वजाइना, हाइमन, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड क्लाइटोरिस। वजाइना से स्टार्ट करते हैं। वजाइना बेसिकली वो मस्कुलर ट्यूब है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वल्वा टू यूट्रस एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल। रेक्टम और एनल कैनाल के बिल्कुल सामने और ब्लैडर और यूरेथ्रा के पीछे बैक साइड पर एक वह ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि मसल्स, स्मूथ मसल्स से मिलकर बनती है, जहाँ पर बहुत सी ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद हैं। वो मस्कुलर ट्यूब जो है वो कहलाती है वजाइना। ठीक है, आपके रेक्टम और एनल कैनाल के सामने ब्लैडर और यूरेथ्रा के बैक साइड पर एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि एक आती है यूट्रस तक, यूट्रस को कनेक्ट करती है। दैट ट्यूब इज़ नोन एज वजाइना। हाइमन जो वजाइना की ओपनिंग है, वो ओपनिंग जो है वो कवर्ड होती है, बिल्कुल ब्लॉक्ड होती है एक थिन टिश्यू की लेयर से। एक टिश्यू मौजूद होता है वहाँ पर, इलास्टिक टिश्यू है वहाँ पर। ये जो हाइमन है ये ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है वजाइना की। ठीक है, वजाइना की जो ओपनिंग है वो कवर्ड हुई हुई है, वो ब्लॉक्ड है किससे, एक टिश्यू से। दैट टिश्यू इज़ नोन एज हाइमन। इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में वापस है यूट्रस, ओवरीज एंड यूट्राइन ट्यूब्स। स्टार्ट करते हैं विद द ओवरीज। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड्स हैं वहाँ, ऐसे ही मेल गोनैड्स हैं, यहाँ पर हमारे पास फीमेल गोनैड्स हैं। फीमेल गोनैड्स जो है हमारे पास वो हैं ओवरीज। ये वो जगह है, फीमेल गोनैड्स हैं ये वो जगह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जहाँ पर हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दीज टू ओवरीज लाई ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड्स पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ओवरीज मौजूद होती हैं। हर ओवरी का जो वेट है दैट रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 grams एंड दे आर एलमेंट इन शेप एंड देयर साइज इज वेरिएबल। तो ओवरीज वो फीमेल गोनेड्स हैं जहाँ पर जो है वो बहुत से रिप्रोडक्टिव एक्शंस होते हैं, और इसके अलावा हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत सेक्सुअल हॉर्मोन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल हॉर्मोन्स इसी ओवरीज में प्रेजेंट होती हैं। जो भी एग्स के बनने का प्रोसेस है, एग्स के ओव्यूलेशन का, एग्स प्रोडक्शन का, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये ओवरीज के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। देन वी हैव द यूट्रस। यूट्रस जो है वो जगह है जिसको हम वोम्ब भी कहते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम जिसने आगे जाके डेवलप होना होता है एक इन्फेंट में, बेबी में, ये जो ओवम है ये पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस होता है इस यूट्रस ऑर्गन में। इट इज़ एन ऑर्गन विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अ फर्टिलाइज ओवम। इट वेज 30 to 40 gram, लाइज इन पेल्विस बिटवीन द रेक्टम एंड ब्लैडर। ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन मौजूद है। ये मस्कुलर ऑर्गन स्टोर करता है अपने अंदर फर्टिलाइज ओवम को, और इसके अलावा स्टोर के अलावा ये इसको डेवलप करवाता है। तो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है एक फर्टिलाइज ओवम की,
ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो तीनों ट्राइमेस्टर्स में वो होती है इस यूट्रस में, जो कि एक मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी वॉल्स जो है यूट्रस की, वो स्मूथ मसल से मिलकर बनती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। देन यू हैव यूट्राइन ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब्स। ये वो ट्यूब्स हैं जो कि जो इन्वॉल्व होती हैं इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि जो एग और स्पर्म ने फ्यूज़ होना है आपस में, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है एग्स और स्पर्म्स की, वो होती है इन फेलोपियन ट्यूब्स में। दीज आर नैरो ट्यूब्स विच कनेक्ट ओवरीज विद यूट्रस। यूट्रस और ओवरीज के दरमियान में जो एक कनेक्शन है वो इस यूट्राइन ट्यूब के वजह से है। ओवरीज और यूट्रस के दरमियान में जो एक कनेक्टिंग ट्यूब है, दैट ट्यूब इज नोन एज यूट्राइन ट्यूब। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम टेक्स प्लेस इन दी फेलोपियन ट्यूब्स। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इसी फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो ये तो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, कि कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरनल हैं और कौन से ऑर्गन्स एक्सटर्नल हैं। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, एग के रिलीज़ होने का जो प्रोसेस है, जिसको हम एग रिलीज कहना, ओव्यूलेशन मीन्स एग के रिलीज़ होना। इसके अलावा ईसोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये तमाम तो वो हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स बोथ में इनका किरदार है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेंस हैं जो कि मेल एंड्रोजेंस, और ईसोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड TSH, ये तमाम तर वो हार्मोन्स हैं जो हम एंडोक्राइनोलॉजी में इसको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है,